दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से मात दी। वैसे यह मुकाबला राजस्थान की जीत से ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा को लेकर सुर्खियों में है। यह पूरा ड्रामा आखिरी ओवर में एक नो बॉल नहीं देने के कारण हुआ। पूरी तरह से इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप भी अपने फेवरेट टीम दिल्ली कैपिटल्स के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 6 गेंदों में 36 रन बनाने थे। रोमन पावेल ने पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाकर दिल्ली की उम्मीदें जगा दी। खास बात यह रही कि गेंदबाज ओबे मकॉय की तीसरी गेंद फुल टॉस थी, जिसे दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने नो बॉल देने की मांग की। हालांकि मैदानी अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी बार बार टीवी अंपायर से नो बॉल के लिए थर्ड अंपायर को चेक कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन नियम अनुसार मैदानी अंपायर फैसला नहीं बदल सकते थे। इसके बाद ऋषभ पंत ने दोनों बल्लेबाज रोमन पावेल और कुलदीप यादव को मैदान से बाहर बुलाने का इशारा किया। राजस्थान के गेंदबाज और कोच सेन वॉटसन ने भी पंत के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। पंत को जॉस बटलर ने काफी समझाया, जिसके बाद वह मान गए मैदान पर ही। यहां पर दोस्तों असिस्टेंट कोच भी पहुंच गए थे। इसी बीच दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे मैदान में घुसकर अंपायर से बहस करने लगे, जिसने माहौल को और संगीन बना दिया। आमरे नो बॉल के फैसले को लेकर बहस करते रहे, लेकिन इसके बाद भी अंपायर ने थर्ड अंपायर से मदद नहीं मांगी और आमरे को मैदान से बाहर जाने के लिए कह दिया। आमरे मैदान के बाहर चले गए, जिसके बाद मैच फिर से शुरू हो पाया। मैच फिर से शुरू होने के बाद रोमन पावेल की लय बिगड़ चुकी थी और बाकी 3 गेंदों में 18 रन नहीं बना सके। आपके हिसाब से क्या है जो ड्रामा था, इसमें किसकी गलती थी, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।